सम्मानीय महानुभाव, जैसे कि आप सभी को विदित है, परम पूज्य संस्कार प्रेता ज्ञानयोगी आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज की पावन प्रेरणा से गंग नहर मुरादनगर के तट पर निर्मित जीवन आशा हॉस्पिटल एवं पुनर्वास केंद्र का चतुर्थ स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मूल नायक मनसापूर्ण महावीर स्वामी का प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य राजेंद्र जैन, नितिन जैन दिल्ली वालों को प्राप्त हुआ। केसर से अभिषेक करने का सौभाग्य मुकेश जैन दिल्ली वालों को प्राप्त हुआ। सुगंधित कलश का सौभाग्य समर्थ जैन गाजियाबाद वालों को प्राप्त हुआ। मूल नायक भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य पंकज जैन पंजाबीपुरा मेरठ, रमेश चंद्र जैन, विकास जैन झज्जर वाले दिल्ली वालों को एवं अनेक लोगों ने भावना भाते हुए अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराकर सौभाग्य प्राप्त किया। अभिषेक के पश्चात मनसापूर्ण महावीर विधान किया गया एवं उसके पश्चात जिनेन्द्र भगवान की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई जीवन आशा हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर पांडव शिला पर जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारक किया गया। तत्पश्चात सौरभ सागर सेवा संस्थान के अंतर्गत जीवन आशा डायलिसिस सेंटर का भव्य लोकार्पण किया गया। डायलिसिस सेंटर के लिए रोटरी क्लब का अभिन्न सहयोग रहा, जिसमें PDG अशोक अग्रवाल जी, PDG JK गौड़ जी, PDG शरद जैन, रवि वाली, दीपिका वाली, सुदीप शर्मा, रोटरी क्लब गाजियाबाद ग्रेटर नेस्ट के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बरखा जैन, अजय जैन जोधपुर, वीरेंद्र जैन, रितेश जैन अरहंत ज्वेलर्स मेरठ, निशा जैन, राजीव जैन मानसरोवर मेरठ, अभिषेक जैन सारू जैन मेरठ, किरण जैन, चंद्र प्रकाश जैन रोहिणी दिल्ली का अभिन्न सहयोग रहा एवं अनेक लोगों ने जीवन आशा हॉस्पिटल में दिव्यांगों के लिए कृत्रिमंग की स्वीकृति प्रदान की। उन सभी का सौरभ सागर सेवा संस्थान धन्यवाद करता है।